प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़े साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही गहरी पकड़ और खास नॉलेज रखते हैं। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत और पाकिस्तान पे। और ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो इसे भी अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपने से लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। का 2 बिलियन मुसलमानों का दुनिया के अंदर जलीलो ख्वार होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने तालीम से बायकॉट कर रखा है, आपने दुनिया के साथ बायकॉट कर रखा है। आप वर्केबल नहीं है, आप गुस्से में है, हर वक्त गुस्से में है, और हर चीज को मजहब की तरफ ले जाते हैं, हर चीज को। यह बिहेवियर अच्छा बिहेवियर नहीं, मेरे ख्याल मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे प्लीज इसमें माफी दीजिएगा। मैं आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, मेरा कोई भी रिलीजन जाती तौर पर अगर पूछे तो मैं हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं, मेरा फेथ स्ट्रॉन्ग है एज ए मुसलमान, मैं इसमें एग्री करता हूँ, लेकिन मैं उस इस्लाम पे बिलीव करता हूँ जिसका मतलब पीस है। इस्लाम का मतलब पीस है, मैं उस इस्लाम पे बिलीव करता हूँ। मैं बिल्कुल, मुझे कहें ये वहाबी है, ये सुन्नी है, ये शिया है, ये मरज़ई है, मैं इन चीजों का ना जाता हूँ, ना फोर स्कूल्स ऑफ थॉट्स में ज्यादा डीपली जाता हूँ, उसकी जरूरत ही नहीं है। मेरे ख्याल में एक किताब है, एक रसूल है, एक चीज, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन एंड आई लव एवरीबॉडी मैडम। लेकिन सर पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तानी जो है वो बिजनेस की तरफ क्यों नहीं सोच रहे जैसे बाकी कंट्रीज सोचती हैं, जैसे भारत में हो या बाकी दूसरी कंट्रीज, इवन बांग्लादेश, हम बिजनेस कम्युनिटी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे अपनी कंट्री में आए और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। आरजू, सवाए फ्रॉड और धोखे के किसी तीसरी चीज पे आप बता दे तो वजह दे रहे हो पाकिस्तानी, मैं खुद जानना चाहूंगा। आप इस्लाम के साथ भी सीरियस नहीं है, आप किस चीज के साथ सीरियस है? स्वाय धोखे के, फ्रॉड के, लूटने के, क्रिमिनल एक्टिविटीज के अलावा आप बताएं कौन किस चीज में आप सीरियस है? मैं खुद जानना, मेरे कान तरस चुके हैं। मैं देखूं यार, मेरे पाकिस्तान ने फलान चीज में बहुत तरक्की कर ली, बताया। अगर तरक्की देखनी है, आपका गोल्ड मेडल अरशद नदीम का देखना है, तो फिर एक काम उसमें ठीक किया उसने, एक काम उसका ठीक, लेकिन वो भी गलती से हो गया कि आपने उस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। आपको चाहिए आप उसको वजीर आजम बना दें और बांस के डंडे हर एक के हाथ में दे दें कि ये सारी कौम आप यही खेल, यही अचीवमेंट है, फिर उस पर ही जाओ आप। और क्या, क्रिकेट की तो हालत देख ली आपने, स्विमिंग टीम जाती है बड़ी मुश्किल से बच के वापस आती, जान बचा के डूबने के पास पास हो जाती। सुना था 12-14 जापान के वहां से वापस ही नहीं आए सारे, वहीं पे कोई ऊबर चला रहा है, कुछ चला रहा है। आप बता देना मुझे, मैं एक ऐसा इंसान हूं कि मुझे कन्विंस कर ले, मैं कन्विंस हो जाऊंगा, आई विल रेस्ट माय केस। मुझे बता तो दो ना यार, कई मुझे कल परसों भी किसी ने बड़ा उल्टा, मैं हालांकि कमेंट्स पे ज्यादा तवज्जो नहीं देता, तो भाईजान को ब्रिटेन से, इंग्लैंड से बड़े गर्मी सर्दी कर रहे थे भी, तो पाकिस्तान को फला फला बातें करते हो। सबसे पहले तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा भाईजान सबसे पहले तो आप चले जाए वहां वापस, आप यहाँ बैठ के जो खामखा की वेलफेयर ले रहे हैं ब्रिटिश टैक्स पेयर्स की, वो ना करें। अगर इतना आपको पाकिस्तान का दर्द है, सबसे पहले तो वहां जाओ। वहां इस वक्त अगर लोग खाना खाते हैं तो बिजली का बिल नहीं दे पाते, पंखा चलाते हैं बिजली जाती है, बिजली खाएं तो बिजली चलाते हैं तो खाना नहीं खाया जाता। जाओ ना वहां पे, एयर कंडीशन माहौल के अंदर बैठ के बातें करना बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अब मुझे कन्विंस करें, मैं होना चाहूंगा, मुझे बताएं कि नहीं यार तुम गलत बातें करते हो, गलत करते हो, देखो हमने फला फील्ड में बहुत तरक्की की, बता दें, मैं सेलिब्रेट करूं एंड आई विल रेस्ट माय केस। आप कह रही है ना कि आपने फला, आरजू आप ये बताएं सवाए फ्रॉड धोखे के, जब मैं आले लान कहता हूं कि आप मुझे ये बता दें खालिस दूध का गिलास मिलता है उस कंट्री के अंदर, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर नहीं। दवाई खालिस मिलती नहीं। 1947 में आपने कहा था टू नेशन थ्योरी है, हम आओ तुम्हें इस्लाम देंगे, दिया किसी को इस्लाम आपने पाकिस्तान बनाया है। मुझे मैं तो अभी इस चीज पे भी कंफ्यूज हूं, आपने बनाया पाकिस्तान, आपने जस्टिफाई किया इलामा इकबाल को, आपने जस्टिफाई किया मोहम्मद अली जिना के आइडियोलॉजी को, क्या किया है आपने? ये भी तो कन्विंस करें ना मुझे। ईस्ट पाकिस्तान बंगालियों से तो जान छुड़ा ली आपने जाके, बल्कि वो कहते थे हमारे ऊपर बोझ है, उनसे तो छुड़ा ली जान आपने। दूसरे बलोची क्यों नहीं आपके साथ चल रहे, आपके साथ पठान क्यों नहीं चल रहे अब आज आपके साथ, क्या वजह है?
दूसरी साइड पे जो आप जिनको छोड़ा है आपने, वो कहते हैं 2047 में हम डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे। क्या वजह है? फिर आप देखें, सोचे तो सही ना, आपका क्या कर रहे हैं फिर? आपकी डेस्टिनेशन क्या है? पठान भाई जो अफगानी आप सारा हंसते थे उन पे रोजाना कि ये पत्थर के जमाने के लोग, अब वो भी आपसे आगे जा रहे हैं। लड़कियां उन्होंने घरों में बंद कर दी, ताले स्कूल लगा दिए, फिर भी आपसे आगे जा रहे हैं। मेरे जैसा बंदा तो परेशान है इस चीज पे कि यार पत्थर के जमाने के लोग भी आपसे आगे निकल गए, आप किस जमाने के लोग हैं यार? मैं तो शर्मिंदा हूँ, खुद शर्मिंदा होता हूँ सारा दिन, क्योंकि यहाँ रहते नहीं ना सर, इसलिए किसी को परवाह नहीं है जो जो मुल्क चला रहे हैं उनकी तो फैमिली। आप आरजू, आप जहाँ बैठी हैं, आसपास आपके हर बंदे की आमदन डॉलरों में और पाउंडों में है। पाकिस्तान में सिर्फ इस वक्त लोग वो सरवाइव कर पा, वो भी फ्लरिश नहीं कर रहे, सरवाइव कर रहे, जिनकी इनकम रियाल, दरहम, पाउंड और डॉलर में है। जो दूसरा तबका है, चीखें निकल रही हैं उनकी, चीखें। शेख रशीद ने भी अगले दिन कह दिया है, जो 50 दफा मिनिस्टर रह चुका है, उसने भी कहा यार मैं एक दिन खाना पकता है दो दिन खाता हूं। हालांकि उसने तो एक पॉलिटिकल कुछ किया होगा, मैं नहीं बिलीव करता कि शेख रशीद साहब को कुछ पैसे का प्रॉब्लम, नहीं लगता कि उनके साथ कुछ ऐसा होगा। लेकिन आरजू देखें, जो इस वक्त जिस बंदे की 25,000 रुपया तनख्वाह है, जरा उसको उसको देखें, मेरे जैसे बंदे के लिए, मेरे, मैं सोचता हूँ मेरी चीखें निकल जाती है, चीख पता नहीं क्या बात है। आप 25 करोड़ अब इससे डबल तो लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं सर, आप 25,000 तो। मुझे ये बताएं कि आप क्यों, आप 23 करोड़, 24 करोड़ बंदा हंस किस तरह रहा है, चल किस तरह, सांस किस तरह ले, किस तरह सांस ले। मेरे जैसे बंदे की वॉशिंगटन डीसी में चीखें निकल रही है, उनकी स्टोरियां देख दी, उनकी स्टोरियां, पता नहीं फिर क्या वजह है। खुदा भी नाराज है, पता नहीं ना दुआएं सुनता है ना बद दुआएं सुनता है, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। खुदा काम करने वालों के साथ होता है सर, सिर्फ मांग मांग के खुदा कहां तक सुनेगा, क्योंकि काम तो कर रहे नहीं ना, बाकी सबकी मदद कर रहा है तो हमारी क्यों नहीं कर रहा। मैं कल बैठा था किसी के पास तो मैंने कहा यार मैं सऊदी अरेबिया 1996 से जा रहा हूँ, वहां इबादत करने वाले अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी होते हैं, लेकिन खैरात मांगने वाले भी सारे पाकिस्तानी होते हैं। मेरे साथ हरम शरीफ के अंदर बैठ के मैं जब भी गया हूं, मुझे किसी पाकिस्तानी ने कहा मेरी जेब कट गई, मेरा बटवा खत्म हो गया, पैसे दे। मैंने हमेशा उसको कहा यार मैं तो खुद ही यहां से मांगने आया हूं अमेरिका से, तू मुझसे मांग रहा है यार, तू कितना बदबخت इंसान है, उससे मांग जिसके सामने जहां तू सऊदी अरेबिया में, मैं तो खुद वहां से मांगने आया हूं, तू मुझसे मांग रहा है, कितने बदबخت, कितने जालिम लोग हो तुम यार, बिल्कुल हरम शरीफ में भी खड़े होकर लोगों से पैसे मांग रहे हो। आप देख लें सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा जो मांगने वाले पाकिस्तानी, तो निकाले गए ना, 90% निकाले ना उन्होंने, पर ना कहां निकलेंगे, माइंडसेट नहीं चेंज होता ना आरजू, निकाल देंगे वहां से, निकल के किसी और कंट्री में चले जाएंगे मांगने के लिए, वहां से निकलेंगे लूटने के लिए कहीं और चले जाएंगे, माइंडसेट है, माइंडसेट है। मेरा मुल्क तबाह आज इसीलिए हो रहा है कि हम लोग अच्छे नहीं, हम बहुत जालिम लोग हैं, बहुत जालिम। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन वो कहते इलामा इकबाल क्या कहते, उसने कहा था मेरा बन न बन अपना तो बन, हम अपने ही नहीं बन रहे, आरज़ू हम अपने ही नहीं बनते, दुखी हम अपने नहीं बनते, बिल्कुल। लेकिन बस सर उम्मीद ही कर सकते हैं कि शायद कुछ बेहतर हो जाए कभी, लेकिन फिलहाल तो उम्मीद इतनी दिखाई नहीं दे रहा, हमारे पास मिसालें तो, देखिए मिसालें तो मौजूद, मिसालें तो आपको मैं हकीकत, लोग कहते हैं लाहौर से 100 मील के फासले पे दूध की नहरें, मिसालें तो सामने पड़ी हैं भाई, मिसालें तो आज अगर आज मुझसे को पूछा जाए, मैं आपके सीएसएस अफसरों को सबको ट्रेन के लिए इंडिया भेजूं, इन सबको सिंगापुर भेजूं, सबको पता तो है इनको, लेकिन वो आते हैं लंदन, आते हैं अमेरिका, आते हैं यहाँ से, उनकी बीवियां जो है शॉपिंगें भी करती हैं, घर भी देखती हैं, फिर वो वापस जाते हैं और फिर वो डॉलरों में और पाउंडों में जो तबाही फेरते हैं, उस लोगों का खून चूसते हैं, लोअर मिडिल क्लास के जो सीएसएस अफसर, बिल्कुल टॉप, इस पर दुआ खैर ही हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं, दुआ बचत बचत हो, कोई रिलीफ हो, जो 25 करोड़ लोग इस वक्त तड़प रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए इंशाल्लाह, आसानियां हो, लेकिन दुख है आरजू, मुझे तो आपकी फिक्र होती है, पता नहीं आप बैठी हैं वहां पे, गुर्दे शुर्दे संभाल के रखिएगा प्लीज। मैं आपके साथ साथ पूरे इंडिया को मेरे गुर्दों की फिक्र हो गई, सब मुझे मैसेज करते हैं भाई, मैं
देखें, आईएमएफ का जब पैकेज आता है तो मुझे अपने दोस्तों के गुर्दों की फिक्र हो जाती है, क्योंकि आपके गुर्दों पे निशानियां लग चुकी हैं वॉशिंगटन डीसी के अंदर। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इसी चीज की होती बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।